हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सामने है मेरे पलक, ये आइए मेरे रूम पे, और मेरे पीछे हीना। हीना बाय। पर मैं आपकी शक्ल नहीं दिखाने वाली। हीना बड़ा गुस्सा कर रही थी, कह रही थी कि मुझे मत दिखाना ऐसे, मैं तैयार नहीं रहती हूँ जब। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, और यहाँ पे मैं हूँ हमेशा की तरह। तो आज सुबह से मेरा दिन बहुत हैक्टिक था। हैक्टिक ऐसे कुछ नहीं था, मेरे को थोड़ा सा फीवर वीवर था और मैंने इसको बुला दिया, क्योंकि मैं पूरा दिन घर पे थी, मैं कॉलेज नहीं गई थी आज। और अभी बज रही है 5:30, और अभी हम जा रहे हैं जस्ट हमारे अगल बगल जो जगह है, तो मैं कैजुअली ये चीज़ एक नॉर्मल जहाँ पे घर वाली वाइब्स आती है, जहाँ पे खाने में भी क्या अबुल अंकल है, मतलब उनके खाने में भी घर वाली वाइब्स आती है और उनकी कैफे टाइप में भी। उनकी शॉप का नाम है नरोत्तम। तो हाँ, और वो पता है यहाँ की सिर्फ इकलौती शॉप है जो रात को 1-2 बजे तक खुली रहती है। बेस्ट नहीं है? अंकल तो जा रहा है जुनून चढ़ गया। और यहाँ देखो, आप बाहर देख सकते हो मौसम बिल्कुल सनी सनी सा हो रखा है, बारिश नहीं हुई है। सुबह मौसम बिल्कुल बंद था, सुबह बादल बादल लगे हुए थे और आज धूप निकल गई है। ये देखो बस ये गंदे नाक डाल दिए। ये है इमलू और ये है इमलू की मम्मी। हेलो इमलू की मम्मी। बस आ जाओ तुम, पकड़ लो मेरा लोअर, चल चलते हैं ऐसे भी। ये सबके सब पूरा परिवार, पूरा स्वा परिवार खेल रहा है। नाना इसका बच्चा नहीं है, पता नहीं शायद। हाँ इमलू की मम्मी ये है। नरोत्तम अंकल की शॉप वहाँ पे। और अब हमारा प्लान चेंज हो चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ पता नहीं, आगे मझोल जाए, मझोल से भी आगे जा रहे हैं पेट्रोल पंप वॉक करते करते। और वहाँ पे एक लोकेशन है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। कल मैं हीना के साथ शाम को वहाँ गई थी पेट्रोल पंप से आगे, तो वहाँ पे भी एक चाय की छोटी सी शॉप है, वहीं से हम थोड़ा सा चाय वाय पी लेंगे और उसके बाद हम लोग वॉक करते करते वापस आ जाएंगे। और आज मेरे को ऐसे लग रहा था ना दिन में, रूम पे मैं अकेली, मैं क्लास नहीं गई क्योंकि एक ही लेक्चर था, और मैं दिन पहले तो मैं सोती रही क्योंकि मेरे को फीवर वीवर आ रहा था। फिर मैंने इसको बोल दिया पलक को कॉल करके, मैंने बोला तू रूम पे वहाँ जाके करेगी क्या। तेरी कितने बजे की क्लास थी पलक? मैं ऐसी चली गई बस किसी भी टाइम। ये पता क्लास हुई थी शायद इसकी 2:30 बजे। हाँ इसकी 2:30 बजे क्लास हुई थी, फिर ये शायद 3 बजे या 3:30 तक ये मेरे पास आ गई थी। फिर ये अब सीधा जाएगी 8 बजे पीजी, मतलब रात तक ये मेरे साथ ही है, 7:30 तक ये पीजी निकल जाएगी। हॉस्टल पीजी तो ये लेने वाली है अब। तो यार यहाँ पे ना एक छोटी छोटी सी येलो कलर की लगती है जंगलों में, मतलब पहाड़ में ही लगती है। जा जल्दी जा तोड़ के, तू जा पाए यहाँ से मत जा, वहाँ से गिरेगी, यहाँ से चल। मैं पलक को भेज रही हूँ, अगर पलक नहीं जा पाएगी फिर मैं जाऊंगी। देखो ये कांटे हैं सारे पौधों में। ओह हो हो, नहीं बैलेंस बनाना, यही होती है एक योगी की परीक्षा। यार ये है एक ही टूटी, मैं ना आगे दिखाऊंगी। ये है वो छोटा सा, मैं दिखाती हूँ आपको, ये है वो। इसको ना हमारे उत्तराखंड में भी होता ही है, इसको कहते हैं हीसर हमारे यहाँ। आधा ट्राई कर, आधा मेरे को दे। बहुत टेस्टी होता ही है। अच्छा यहाँ से भी जा सकते हैं क्या हम लोग इस साइड से? यस। इसको एक मिनट पकड़, तेरा आईफोन ये देख ऐसे निकल रहा है, कितना सारा निकल रहा है। पर इन्होंने ना यहाँ पे जाम कर रखा है पानी, पता नहीं क्यों। ये पानी ना यहाँ से इन्होंने रास्ता बंद कर रखा है पानी का, इधर से रहने मत खोल, क्या पता कुछ सोच समझ के किया हो। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वो ऊपर ना शायद बंद नहीं कर रखा, वो ना पाइप दे रखा है, तो ये पानी ना पाइप के थ्रू कहीं जाता है वहाँ। ओके खेत पे जाता होगा क्या पता इनके। हाँ ये क्या, ये क्या होंगे क्या पता, कोई बोर्ड टैग्स वगैरह। हाँ बोर्ड के लिए टैग्स। और पता है यहाँ सोलन में अगल बगल ना मैंने वो भी काफी सारे देखे, पता अनार के पेड़ भी देखे मैंने यहाँ पे काफी सारे। मैं यहाँ पे ही थी, एक जंगली सी बेरीज थी यहाँ पे भी। रुक जा, कहाँ है वो, रही आगे देख पलक, आ जा यहाँ पे। ये देखो ये है यहाँ ऊपर, पर वही है फिर किसी का हाथ पहुंच पाएगा, मेरा तो पहुंच जाएगा। और ये देखो ये है यहाँ पे उसके पेड़, किसके, अनार का पेड़ ये रहा,
अनार का ये रहा और ये जो जंगली बेरीज होती है हमारे यहाँ पे कहते हैं इसको हीसर, ये देख। बट इसके अगल बगल ना कंडाली के पेड़ है यार, ये बिच्छू घास कहते हैं इसको वैसे। पलक को नहीं पता होगा इन सब चीजों के बारे में। कंडाली पता है क्या होता है? पलक एक पत्ता होता है कंडाली, तो उसमें ना कांटे कांटे रहते हैं। हमारे उत्तराखंड में ना उसको उसकी सब्जी बनती है बड़ी टेस्टी, जैसे वो बनता है ना सरसों का साग टाइप, या सरसों का साग तो अलग होता है, हरा साग जिसको कहते हैं। तो वैसे इसको ना सीजर से कट करते हैं या नाइफ से कट करते हैं हमारे यहाँ। तो कांटे कैसे हटाते हैं? बॉईल करते हैं फिर इन पत्तों को, तो उस पे बॉईल कर दिए या तो आग में इसको जला दिया। अच्छा। फिर इसको सीटी मरवाते हैं, फिर इसको ना सिलोटा पता है पत्थर रहता है, पत्थर जो पीस है जिसमें चटनी चटनी वगैरह भी बनती है, जिसमें जैसे वो पीस वो करते हैं पीसते हैं, मतलब टिक्का लगाते हैं, चंदन पीसते हैं। हाँ वही वो, पर वो बड़ा होता है हमारे यहाँ पे बहुत। चंदन पीसने वाला तो छोटा सा होता है, मतलब चटनी वगैरह हमारे यहाँ उसी पे बनाते हैं ना, कहते हैं टेस्ट उसी का ही आता है, मिक्सी की चटनी का टेस्ट नहीं आता है। इनफ है यार, आगे देखेंगे। अब ये देखो कितनी सारी ले ली है ले पलक। पलक इज वेरी हैप्पी टुडे। पलक को मैंने कोई पहाड़ी वो खिला दिया है बेरीज। इनको क्या पता होगा प्लेन वाले लोगों को, कभी देखे पहाड़? मजाक कर रही हो यार। अच्छा तेरे को ज्यादा पसंद क्या, माउंटेन ज्यादा पसंद है या प्लेन्स? देखो हर जगह की अपनी वाइब है, मुझे भी ऐसी लगता है। पहाड़ों में तो ऐसा कुछ नहीं, एजुकेशन सिस्टम शांति है। और मेरे को पता है डिफरेंस क्या लगता है यहाँ और प्लेन्स में, यहाँ ना जो टाइम है ना वो थम जाता है ना। चंडीगढ़ जाते ना ऐसे लगता है क्या हाई हाई मची हुई है लोगों को। नहीं सच में हर कोई भागता है, दिल्ली जाओ ऐसे कि भाग रहे हैं भाई सब लोग, वहाँ समय दौड़ता है। यहाँ पे ना नाशपति का पेड़ भी है, ये इस पे ना नाशपति लगेगी छोटी छोटी, अभी नहीं टूट सकती है कच्ची होंगी। ये देखो यहाँ पे ये लगी हुई है ये वाला नाशपति का पेड़, पर तो मैंने यहाँ से तोड़ी अभी नाशपति और मीठी है पर हल्की सी कड़वी है, मुझे लग रहा है 2 हफ्ते में पक जाएगी, पर ठीक है हम इसको खा सकते हैं। ये नाशपति अच्छी होती है पता है? हाँ। ना बस कड़वी, मेरे को भी कड़वी लग रही है तो मैं इसको फेंक देती हूँ, सॉरी नाशपति। और ये एक और है कुछ काला काला सा, इसका इसके बारे में मुझे नहीं पता, ये वाला कल मुझे हीना बता रही थी इन सब चीज़ों के बारे में, ये ना ब्लैक होके इसको खाते हैं कि, अब मुझे भी नहीं पता ये है क्या, पर इसको तोड़ के इसका वो करते हैं पोस्टमार्टम। रुक खोल इसको अंदर से, कुछ खाने की चीज़ है इसके अंदर? नहीं नहीं ये पता नहीं क्या है, नहीं पता इसके बारे में, सॉरी गाइस लैक ऑफ नॉलेज, पता करके बताऊंगी क्या है वो। चलो आगे चलते हैं अब। वैसे मैंने एक दो ब्लॉग यहाँ के बना रखे हैं बट स्टिल अभी धूप भी आ रही है और यार जगह बहुत प्यारी लग रही है, सुंदर जगह है, यहाँ की अलग ही वाइब्स आती है ना वैसे। रात को तो और मजा आएगा। हाँ रात को तो आई हूँ मैं, कल ही आई हूँ, तब आएंगे यहाँ पे, सही बोल रही। तो हम पैदल चलते चलते आगे थे एक लोकेशन पे और यहाँ पे ना हमको ये येलो वाले जो मैंने अभी हीसर दिखाए थे, चलो वो तो मैंने खा लिए, बट ये देखो ये रेड कलर की बेरीज भी हैं। ये थोड़ा सा टेस्टलेस है बट अच्छी है खाने में, ये मैंने अपने गांव में खाई थी। और इसके पेड़ ना ऐसे लगते हैं देखो यहाँ साइड साइड में, ये दिख रहा है ये देखो, ये छोटे छोटे से पेड़ इसी के बेरी के। ले पहले किसको पकड़ना, एक मिनट मैंने इसका पूरा पौधा निकाल के दिखाती हूँ, इसको दिखाती हूँ, ये देखो ये है ये पूरा, इतना प्यारा टेक्सचर है, टेक्सचर देख रहे कितना सुंदर लग रहा है। इसी कलर में कोई टॉप हो कितना सुंदर लगेगा, टॉप हो गया, गाउन लिपस्टिक का शेड हो गया है ना, वैलेंटाइन डे वाली फीलिंग आ रही है इसको देख के, रेड कलर तो अच्छा है। साइड हो जा, गाड़ी ठोक के चली जाएगी वरना। तो ये है वो लोकेशन, और कभी इस साइड पे ना ये इतना सारा ना पहाड़ हुआ करता था, बट अब यहाँ पे ऐसा है कि पेट्रोल वो तो ये तो काफी टाइम पहले बन गया था और यहाँ ऐसे ऐसे धूल मिट्टी उगती है और ऊपर कुछ बन रहा है आई थिंक, मुझे भी नहीं पता क्या बन रहा है बट। और यहाँ से मैं एक लोकेशन दिखाऊंगी आपको, ये देखो सामने पहाड़,
देखो। वो तो यार हम ना एक जगह चल रहे थे अभी, ये बगल में नर्सरी, और यहाँ पे ना ये लोकेशन मुझे इतनी प्यारी लगी कि मेरा मन करा कि मैं यहाँ पे ना दिखाऊँ ज़रूर नर्सरी में, दिखाती हूँ यहाँ पे। ये ना कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, मेरे को भी नहीं पता, बट यहाँ पे अंदर नर्सरी है और वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, तो बस मैं यही दिखा रही हूँ आपको यहाँ बाहर से। और मुझे जो चीज़ पसंद आई है वो यहाँ पे ये आई है। लो पलक तो बैठ के पहले ही पोज मारने लगी है। हे पलक सी हेयर, ये देखो पलक पहले ही पोज मारने लगी। ये ना बिल्कुल ऐसे ही पूरी की पूरी, ये जो चीड़ के पत्ते होते ना गिरे हुए हैं यहाँ पे, तो ऐसा लग रहा है जैसे ना किसी ने मतलब अपने हाथों से इसको कवर किया हुआ है ना, कितना प्यारा लग रहा है। ये डॉगी मुझे परसों दिखा था मंझोली में, आप यहाँ क्या कर रही हो है? आप यहाँ पे क्या कर रही हो पुच्ची? ठीक है हाँ बाल खोल ले। या तो मैं पलक की फोटोज क्लिक कर रही थी पर उसको अपनी फोटोज पसंद नहीं आ रही है, बट एक्चुअली मेरे को क्लिक भी करनी नहीं आ रही सही। बुच्ची आप यहाँ पे क्या कर रही हो? और पलक बैठी है ओ ऊपर। तो हम लोग जा रहे हैं अभी मंझोली साइड, और अंकल जी का डॉगी हमें मिला जंगल में। मैंने बस इसको ये बोला कि अरे आप भी यहाँ पे, और ये हमारे साथ साथ हेलो टुक्कू, यहाँ देखो ये देखो, और ये भी अब हमारे साथ वहां तक ही जा रहा है। और अभी बीच में इतने सारे कुत्ते आ गए थे ना तो ये भौंकने लग गया था, पता है ये हमारे पीछे पीछे आ रहा। चलो आपके घर चलते हैं, चलो 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 जाओ, बाय बाय, आपका घर आ गया, जाओ। क्या होगा खाने के लिए? अभी नहीं बना, चलो कोई नहीं, कर वो हरकतें जो कर रहा था अब कर वो हरकत। ये देखो ये देखो ये देखो, मेरे घर वाले देखेंगे ना बोलेंगे बेटा कुत्तों से ही मुंह चटवाती रहे। इमलू इमलू कहाँ हुई? ये देखो ये देखो, इमलू शायद अभी ना 3 महीने की होगी जितना मेरे को लग रहा है। हाँ फीमेल है बट यार बहुत प्यारी, इसकी आंखें बहुत खूबसूरत है। हेलो भाभी बाय। तो गाइस अभी हम आए हैं टेम्पो, मैं आई हूँ अभी टेम्पोरल कैफे में, और पलक ने अभी जो है एक राजमा राइस खाया था, और मैं अपने सीनियर्स के साथ बैठी हूँ। हाय सीनियर। हेलो, ये तो खैर मेरा ही मास्टर्स फर्स्ट ईयर का है। सीनियर, हेलो सीनियर, कैसे हो आप सब लोग? बहुत बढ़िया। शुलुनी में आपका एक्सपीरियंस कैसा है? बोला नहीं जैसा। देखो मेरे से काफी सारे रिव्यूज आते हैं कि शुलिनी यूनिवर्सिटी कैसी है। आप एमसीए कर रहे हो ना वहाँ से? आप एमएससी इन एमसीए? एमएससी इन डेटा साइंस। ठीक है, एमएससी इन डेटा साइंस। एमसीए वालों का मेरे को आया था कुछ, पता है आपको क्या बोलना चाहते हो बच्चों को? जो भी आएगा मैं उनका बड़ी हूँ तो मुझे कॉल करो 3086858576। नहीं नहीं मैं ऑफिशियली एमसीए एमएससी एमटेक। एक बार फिर से बोल दो क्या यही बात? एमएससी एमटेक और एमसीए वाले जो भी हो। और बीटेक सीएससी? बीटेक सीएससी का भी मैं हूं, सॉरी एमटेक सीएससी का। ओके डन, बैचलर्स। चलो और नंबर बता दो अपना 8306885676। गर्ल्स प्लीज कॉल मी। और आप? मोटे ही, मोटे ही। आप कोई बड़ी नहीं, आप कोई बड़ी? हम तो बस एक महीने में निकलने वाले हैं। ये बेचारे फाइनल ईयर वाले, ये तो बहुत दूर से, ये कहाँ से? वेस्ट बंगाल से। और ये रायपुर छत्तीसगढ़। तो आपने, आप प्लेन से हो, वहाँ पे पहाड़ नहीं होते ना? नहीं। आप जब यहाँ फंसे आपको कैसा लगा? फंसे फंसे टाइप लगा, तो पहाड़ देख के आए थे यार, तो अभी वो ये देखे ही जा रहे हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस है? कितने साल का? 2 साल का? 2 साल का। कैसा लग रहा है? तो बढ़िया था एक्सपीरियंस, 2 साल का छुट्टी था। किसान आपका एक्सपीरियंस? मैं तो बताने लायक ही नहीं रहा, इतना अच्छा एक्सपीरियंस है। चलो ठीक है, बस बाकी ये लोग यहाँ पे बैठे हुए, अभी हम लोगों ने चाय मंगाई या चाय, और इन लोगों का भी सामान आ रहा है। बस चुप रहो तुम लोग। और मैं आ गई हूँ अभी अपने पीजी में, और इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हुए अब लेके आप लोगों को अलविदा। अब मिलूंगी आपको अपने व्लॉग पे, तो स्टे सेफ स्टे हैप्पी, बाय बाय।